भारत जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलिब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलिब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलिब्रिटी ही हमें देखने को मिले तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फैन हैं। तो हाँ, हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फैन है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4/10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है।
अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रियदर्शन ने, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की, क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फैन है, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज़ देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज़ हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है।
क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहां पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फ़ैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन ही देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फ़ैन हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजिली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो
उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फैन है, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज़ देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज़ हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4/10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस
मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की, क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलिब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलिब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलिब्रिटी ही हमें देखने को मिले तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन ही देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फैन है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के
यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फ़ैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फ़ैन हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4/10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहां पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रियदर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजिली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फ़ैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर
अपने शाहरुख खान सर के ही फैन है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज़ देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज़ हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है।
अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलिब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलिब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलिब्रिटी ही हमें देखने को मिले तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन ही देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फैन है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलीज। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं, ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस
मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहां पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजिली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फ़ैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन ही देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फ़ैन हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं। ओमपुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4/10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहां पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलिब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलिब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलिब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो
उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फैन है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा, क्या एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है।
है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रियदर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फ़ैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फ़ैन हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज़ देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज़ हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 out of 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है।
एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहां पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रियदर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजिली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फ़ैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन ही देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फ़ैन हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में।
सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जनरल पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलिब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलिब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलिब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो
उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फैन है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलीज। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं, ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है, तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, एंड ये चीज़
देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फ़ैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फ़ैन हैं तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज़ देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज़ हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या
क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहां पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलिब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलिब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलिब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फ़ैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फ़ैन हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।
आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज़ देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज़ हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे।
एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलिब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलिब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलिब्रिटी ही हमें देखने को मिले तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फैन है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं, ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है, तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा,
तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। ये चीज देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रियदर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। दोस्तों जी, बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फैन है, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे, और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को, एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज़ देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज़ हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है।
क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहां पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, काफी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फ़ैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन ही देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फ़ैन हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।
आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे।
एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलिब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलिब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलिब्रिटी ही हमें देखने को मिले तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फैन है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं, ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4/10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहां पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है, तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा,
तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फ़ैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फ़ैन हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे, और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को, एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज़ देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज़ हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए।
आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फ़ैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फ़ैन हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।
आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रियदर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी
दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कीजिए। बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलिब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलिब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलिब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फैन है, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे, और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को, एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज़ देखने को मिलेंगे, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज़ हैं, ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है, आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहाँ पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से यहाँ पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है, तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए,
आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की, क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलिब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलिब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलिब्रिटी ही हमें देखने को मिले तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन ही देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फैन है, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए जाएंगे और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं। ओम पुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है।
तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो 6.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहां पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, काफी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी। एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिए। तो जी बॉलीवुड में बहुत सारे वैसे तो सेलेब्रिटी हैं, बट अगर कोई सेलेब्रिटी मूवी के अंदर भी एज अ सेलेब्रिटी ही हमें देखने को मिले, तो उसमें हमें अपनी ही वाइब आना स्टार्ट हो जाती है कि हम इसके फ़ैन हैं, तो हाँ हम भी अगर होते तो ऐसा करते। इस तरह की अगर आप लोगों को भी वाइब्स आती हैं, आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरी लाइन ही देखने को मिले, एंड इनफैक्ट आप लोग अगर अपने शाहरुख खान सर के ही फ़ैन हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को चांस दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस मूवी को लेकर, तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे, और भी आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड। आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है,
आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी बिल्लू बार्बर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग पर, उसके बाद बात करेंगे जेनर पर, उसके बाद डायरेक्शन पर एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि ये मूवी हमें कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एज अ लीड रोल में हमें इरफान खान और लारा दत्ता नज़र आने वाली हैं, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है। बट यहाँ पर शाहरुख खान का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इस तरह के काफ़ी सारे कैमियोज हैं। ओमपुरी का काफ़ी अच्छा किरदार है, राजपाल यादव है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.4/10 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक यहां पर इस मूवी को लाइक किया गया, तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से यहां पर जो है वो 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी ये जो है मूवी बनाई गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पर, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है। तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ ड्रामा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर, इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला, क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर इस मूवी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी प्रिया दर्शन ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी, तो हाँ पास्ट में इन्होंने आप लोगों के सामने भूल भुलैया, हंगामा, छुप छुप के, हंगामा 2, भागम भाग, खट्टा मीठा, दे दनादन, ढोल, हलचल, गरम मसाला, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये मूवीज़ बनाई गई थी एंड आप लोगों को भी डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं कि हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं हिंदी में। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई मूवी है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड
अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, इजीली अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग लाजमी से जाकर इस मूवी को वहां पर एंजॉय कीजिए।